दोस्तों आप सभी का स्वागत है कमल्स फूड लैब में, जहाँ पर हम बनाते हैं हेल्दी, इजी और टेस्टी रेसिपीज। दोस्तों आजकल फूल गोभी बहुत आ रहे हैं मार्केट में, तो आज एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी फूल गोभी की मैं शेयर करूंगी आपके साथ, जो कि है गोभी के कोफ्ते। इस वीडियो में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कि आपके कोफ्ते तेल में जाने के बाद फैले नहीं और उनका शेप एकदम बढ़िया और गोल रहे। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ 400 ग्राम फूल गोभी लिया है और इसे इस तरह से बड़े बड़े फ्लोरेट्स में काट कर और गर्म पानी से अच्छे से एक बार धो लिया है। अब इन फ्लोरेट्स को इस तरह के ग्रेटर की मदद से हम अच्छी तरह से कीस कर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सर में पल्स मोड पर भी क्रश कर सकते हैं या फूड प्रोसेसर में भी आप इसे चॉप कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से ये बहुत ही बढ़िया और बारीक एकदम बनकर तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे गोभी के फ्लोरेट्स को ग्रेट करके तैयार कर लिया है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हम करने वाले हैं, जिससे हमारे कोफ्ते एकदम बढ़िया शेप के बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और सब कुछ अच्छी तरह से मैं मिक्स करके 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने दूंगी। और ये देखिए, 15 मिनट के बाद इस तरह से एक मिक्स देंगे और इस तरह से निचोड़ कर हम सारा पानी इसका निकाल देंगे। अच्छी तरह से एकदम टाइटली स्क्वीज कर लें, ताकि पूरा जो पानी है वो इसका निकल जाए। पूरे गोभी को हम इसी तरह से निचोड़ कर ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पूरे गोभी को निचोड़ लिया है, तो इसे मैं फिर से इस पैन में डाल रही हूँ। और ये जो पानी बचा है गोभी का, इसे हम ग्रेवी में यूज कर लेंगे, तो इसे हमें फेंकना नहीं है। इसे अच्छे से क्रम्बल करके फिर से खुला खुला कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम जो भी बाइंडिंग एजेंट डालेंगे ना, वो हमें कम डालना पड़ेगा, तो उसमें गोभी का टेस्ट अच्छे से आएगा कोफ्ते में। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा प्याज, अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम गोभी के साथ मिक्स करेंगे। साथ ही में सूखे मसाले भी हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ी सी हींग। साथ ही में इसमें एक टीस्पून जितना मैं अजवाइन डाल रही हूँ। फूलगोभी थोड़ा गैस करता है, तो अगर हम अजवाइन डालेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा और गैस भी नहीं होगी इससे। और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जोर लगा कर मिक्स करेंगे तो इसमें से फिर से पानी रिलीज हो जाएगा। और अब बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पर आधा कप बेसन लिया है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। जितने में बाइंडिंग हो जाएगा, उतना ही बेसन हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर मेरा पूरा आधा कप बेसन यूज हो गया है और इस तरह का आटा जैसा बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से बॉल बनाकर चेक कर लेंगे कि अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है कि नहीं। एकदम हल्के हाथों से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसे फिर से हम बेसन में रोल करेंगे, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर है वो रिलीज होता है तो ये बिखर जाते हैं तेल में। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सूखे बेसन में हम एक बार रोल कर लेंगे इन्हें। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे रेडी कर लिए हैं और तेल को मैंने ऑलरेडी गर्म रख दिया है। ये स्टेप करने के बाद हमें इन्हें तुरंत तल लेना है। अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रखें। तो यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब फ्लेम को मैं लो कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पर हमें इन कोफ्तों को फ्राई करना है। एक एक करके जितने कोफ्ते इजीली आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो गैस का फ्लेम है वो ना ही बिल्कुल लो होना चाहिए और ना ही तेज होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन कोफ्तों को फ्राई करना है। और ये देखिए, जैसे हम गुलाब जामुन को हिलाते हैं, वैसे ही हमें पैन को हिलाते हुए इन्हें हिलाना है। सीधा आप स्पून से इसे टर्न ना करें, वरना ये टूट सकते हैं। तो पहले इनिशियली हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से पैन को हिलाकर इन्हें गोल घुमाएंगे, और 1 से 2 मिनट होने के बाद हम इन्हें हल्के से इस तरह से स्पून से टर्न कर लेंगे। बीच बीच में हल्के हल्के से टर्न करते जाएंगे और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मेरे जो कोफ्ते हैं वो एकदम बढ़िया गोल्डन फ्राई होकर रेडी हैं, और इन्होंने अपना शेप भी एकदम बढ़िया से होल्ड किया है। बिल्कुल भी ये फटे नहीं हैं। ये देखिए, एकदम बढ़िया बनकर रेडी हुए हैं कोफ्ते।
ऊपर से एकदम क्रिस्पी बने हैं ये। ये देखिए सारे कोफ्ते मैंने बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिए हैं और एक मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। एकदम सॉफ्ट बने हैं, ऊपर का लेयर एकदम क्रिस्पी दिख रहा है लेकिन अंदर से ये एकदम सॉफ्ट बने हैं कोफ्ते। ये देखिए, तो आइए अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो ग्रेवी का एक पेस्ट बनाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और साथ में मैंने यहाँ पर एक टेबलस्पून काजू को आधा घंटा पानी में भिगो कर ले लिया है। इससे जो ग्रेवी है वो एकदम रिच बनेगी। इसे मिक्सर में डालकर एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर हम तैयार करेंगे। ये देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर यहाँ पर रेडी है। यहाँ पर कढ़ाई में दो बड़े चम्मच तेल ले लिया है मैंने और ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं जैसे कि दालचीनी, जीरा, काली इलायची, लौंग और चक्रफूल। तो इन्हें हम गरम तेल में डाल देंगे और थोड़ा सा सौते कर लेंगे। खड़े मसाले भुन चुके हैं तब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी टीस्पून हींग। इसे भी थोड़ा भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा जो ग्रेवी का पेस्ट हमने तैयार किया था वो, और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 मिनट भुनने के बाद हम इसमें जो हमारे सूखे मसाले हैं जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, धनिया जीरा का पाउडर, ये भी ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। ये देखिए इसमें से तेल रिलीज हो गया है, हमारी जो ग्रेवी का मसाला है वो एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर सबसे पहले जो गोभी निचोड़ कर पानी निकाला था वो मैंने ऐड कर दिया है और बाद में मैंने और पानी ऐड किया है, तो टोटल 2 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है। ये देखिए थोड़ा सा उबाल आ गया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच शक्कर, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और यहाँ पर 1/2 चम्मच मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और साथ में कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसी स्टेज पर मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और ये देखिए हमारी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है ये एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए सिमर होने के बाद हम इसमें सारे कोफ्ते डाल देंगे। सर्व करने के पहले ही आप इसमें कोफ्ते ऐड करें, पहले से ऐड करके ना रख दें वरना ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं तो आप ग्रेवी बनाकर रख लें और उसके बाद सर्व करते टाइम कोफ्ते ऐड करें। बस 1 मिनट के लिए हम इसे ढककर कुक करेंगे और गैस को बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बस हल्का सा मिक्स करके 1 मिनट कुक कर लें और ये देखिए एकदम यमी से और एकदम सॉफ्ट हमारे गोभी के कोफ्ते बनकर तैयार है। इन्हें आप चाहें तो गरम रोटी या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आपको नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिल सके।